उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट के चलते शुक्रवार हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि कुमाऊं में कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें भी बंद हो गई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग खोल दिए हैं। वहीं DIG डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं, जिन्हें JCB से लगातार खोला जा रहा है। वहीं SDRF और पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखकर निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद भी थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान दो बैठे वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि JCBs वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है।